कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए कैशबैक ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने और हरिगंज दोनों जगह मौजूद। भैया ये बताइए, आज आपने ज्ञापन दिया है किस विषय पर दिया, क्या मामला है? हमने गरबा और माँ नवरात्रि के संदर्भ में दिया है। ये देखा गया है कि भारत जी ने विश्व के जो दूसरे देश है, अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, और इन लोगों की जगह भी पूरे गरबे को मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, पर चूंकि अभी आचार संहिता लगी है और प्रशासन के हाथ में पूरी व्यवस्था है, तो हमारा ये निवेदन है कि 10 बजे जो गरबा को समाप्ति का समय दिया गया है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि और गरबे की तैयारियाँ हैं, हमारी बहन बेटियाँ और परिवार के अन्य सदस्य एक साल भर तक तैयारी करते हैं, तो उन्हें रात्रि के लगभग 12 बजे तक का समय दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और यही मांग लेकर हम हमारे सांसद की ओर से, मैं सांसद प्रतिनिधि की ओर से प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसका समय जो है वो 12 बजे तक का बढ़ाए। क्या नाम है? मोहन गंगराड़े, सांसद प्रतिनिधि। यहाँ पे आए कलेक्टर ऑफिस की वाह। देखिए सांसद जी की ओर से सांसद प्रतिनिधि मोहन गंगराड़े जी के नेतृत्व में आज सभी अधिवक्तागण इस बात को लेकर आया कि हिंदू समाज के अंदर जो नवरात्रि के 9 दिन का गरबे का महोत्सव रहता है, कि बहन बेटियाँ इसके लंबे समय से तैयारी करती हैं और सामान्यतः घरों में 9 बजे के बाद ही महिलाएँ फ्री हो पाती हैं, ऐसे में अगर 10 बजे गरबे को बंद कर दिया जाएगा तो 1 घंटे भर के अंदर जो गरबे का प्रदर्शन है वो कर पाना बहन बेटियों के लिए संभव नहीं रहता है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए सांसद जी की ओर से उनके प्रतिनिधि मोहन जी और हम लोग हमारे ग्रेटर मुद्दे को हमारे ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो समय को 12 बजे तक किया जाना चाहिए। लगभग 2.5 घंटा महिलाओं को मिलना चाहिए। सनातन परंपरा के अंदर गर्भों को बड़ा महत्व है। शक्ति आराधना का एक तरीका होता है प्रदर्शन करने का गर्भों के माध्यम से, ये प्रमुख पर्व है और इसके लिए समय ये रहना चाहिए, इसकी शक्ति नहीं किया जाना चाहिए। आपका परिचय। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए कैशबैक ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने और हरिगंज दोनों जगह मौजूद।